सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 47। आमल और बीमल दो पार्टनर है फर्म के अंदर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी? 4:1 रिस्पेक्टिवली, 1 अप्रैल 2015। तो ये ओपनिंग की बात की जा रही है। कैपिटल कितनी दे रखी है? अमल की दे रखी है 50,000 और बीमल की दे रखी है हमारे को 40,000। फर्म ने कहता है नेट प्रॉफिट अर्न किया है इस साल 1,75,000 31 मार्च 2016 को। कहता है ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ इस साल का, ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 का। ठीक है, ये कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑफ 31 मार्च आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फॉलोइंग एडजस्टमेंट को कंसिडर करने के बाद आपने ये बनाना है। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ गलती है, इसने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वो 31 मार्च 2015 को नहीं, 2016 को बनाना है आपने। ठीक है ना, आफ्टर कंसिडर एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट 6% क्या देना है अगर बीमल लोन देती है। लोन कितना दिया है? 50,000, लेकिन ये नहीं पता लोन कब दिया है, तो पूरे साल का लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग, पार्टनर ड्रॉइंग कितनी की है? अमल ने की है, बीमल ने की है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर कुछ बात की गई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? 6% है। यहाँ पर अलग से लिखना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है यहाँ पर। तो 60% हम क्या मान लेंगे? लोन मान लेंगे, और 60% क्या मान लेंगे? पार्टनर की ड्रॉइंग मान लेंगे। ठीक है ना। अब क्या कहता है, अमल और बीमल दोनों पार्टनर हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और 4:1 रेशियो है। कैपिटल कितनी दे रखी है? 50,000 और 40,000 अमल और बीमल, ए बी मान लेते हैं, ए और बी। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन कितनी है? 50,000 और ये 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 1,75,000, 1,75,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट, इनर कॉलम में लिखेंगे 1,75,000, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है लोन की। लोन कितना दिया है? 50,000। रेट क्या दे रखी है? 6/100। लोन पता नहीं कब दिया, तो हम साल के स्टार्टिंग में मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो तो कितना देता है? 3,000 आपका क्या बन जाता है? ये इंटरेस्ट बन जाता है। माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3,000। तो 1,72,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%। तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे? ए को और बी को, 5%। तो भाई 2 जीरो काट दो तो कितना हो जाता है? 1%। तो ये 1% कितना आता है? 500। 5% कितना हो जाएगा? ये 2,500। नेक्स्ट कहता है 2 जीरो काट दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 × 20 तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4,500। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2,500 और ये 2,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, ये लोन की हम केस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितनी की है? 15,000 ए ने की है, और बी ने कितनी की है? 10,000। 6% लगा लेते हैं, 6/100, 6/100, और कितने मंथ का लगाएंगे? टाइम गिवन नहीं है तो 6 मंथ का लगाएंगे, 6/12 × 6/12। तो 2 जीरो से क्या कर दो? 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 2 3, 6 2 और ये 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 100 था यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर है, 300 तो किसका हो जाएगा? बी का, और फर्स्ट का कितना हो जाएगा? 15 × 3 = 4,500, 450 हो जाएगा। ठीक है, 450। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए से और बी से, ए से कितने लिया है? 450, और बी से कितने लिया है? 300। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 750। यहाँ क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग, ठीक है ना, ड्राइंग ए ने कितनी की थी? 15,000। बी ने कितनी की थी? 10,000। ठीक है, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है ना, कितना? 450 और इस केस में 300।
नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, सब कुछ हो चुका है अब क्या करो, प्रॉफिट को 4 इक्वेशन में बांट दो। प्रॉफिट कितना था आपके पास, 1,72,000, और ये कितना था, बस 1,72,000 था, ठीक है ना। 1,72,000 में से माइनस कितना कर दो, 700, अच्छा 750 भी इसके अंदर ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा, 1,72,750। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1,72,750। और इसमें से और कुछ देना नहीं है, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, तो इसमें से ये सारा क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए के खाते में और बी के खाते में। कितना हमारे पास, 1,72,000, और ये कितना है, 750। इसमें से माइनस करो कितना, 4,500 माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,68,250। इसको क्या करोगे, कितने रेशों में बांटोगे, 1,68,250 को डिवाइड कर दो, 4 और 1 5, 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। डिवाइड किससे करोगे, इसको डिवाइड करो 5 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33650। इसको कितना देना है, बी को एक हिस्सा देना है तो इसको दे दो 33650, ठीक है। और एक हिस्से में कितने चले जाएंगे, 5 4 हिस्से चले जाएंगे, तो एक ही खाते में कितने आ जाएंगे, 1,34,600, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अमाउंट आया कितना, 1,34,000 और ये 600, ठीक है। और बी के खाते में कितने आ जाएंगे, 33,000 और ये 650। अब टोटल करो इसका, तो ये कितना है, 42,000, 42,000 प्लस कितना हो जाएगा, 33,000, और ये साथ में कितना है, 650, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 75,000 और ये 650। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 75,650। यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करोगे आप, एक तो माइनस करना है 10,000 और एक 340, तो माइनस कितना करो, 10,340। तो माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 65,310, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, अगर हम बात करें किसकी, ए केस की बात करें, यहाँ पर कितना आएगा, 50,000 तो पहले थे आपके, प्लस कितने आए, 2,500, प्लस कितने आए आपके पास, 1,34,000, और कितने आए, 600। तो ये ऐड करने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, 1,87,000 और 100। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1,87,100। इसमें से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, 15,450, 15,450, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आएगा 1,71,000 और ये 650, ठीक है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो यहां पर ये क्या था, ये था 300 यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या था यहाँ पर 300, और ये गलती से मैंने मिस्टेक 340 पढ़ लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 350 आंसर आएगा, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।